और इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर कुछ साफ होती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ बंटवारे पर महागठबंधन में पेच फंस गया है। कैसे हो सीटों का बंटवारा, ये सवाल महागठबंधन में बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को आरजेडी 7 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं। कांग्रेस की तरफ से 15 सीटों को लेकर दावेदारी की गई है और खबर यह भी है आरजेडी खुद 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेफ्ट को 3 सीट देना चाहती है, कांग्रेस को 7 सीट देना चाहती है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार के पास, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, एक तरफ एनडीए जहां सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर कमोबेश अब साफ होती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में क्या सीट शेयरिंग का मामला उलझता नजर आ रहा है? देखिए, महागठबंधन में जो है अब तक इंतजार हो रहा था, पहले चिराग पासवान का और मुकेश सहनी का भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी की बात अब तक नहीं बन पाई है एनडीए में। तो ऐसे में मुकेश सहनी क्या करते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जहां तक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात है तो कांग्रेस पार्टी डिमांड ज़्यादा कर रही है, लेकिन उसको उतना ज़्यादा शायद लालू यादव अभी ना दें, क्योंकि जिस तरह के लालू यादव अपना वातावरण तैयार कर रहे हैं, फिर से आरजेडी की ज़मीन को मजबूत करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि ज़्यादातर सीटों पर उनके कैंडिडेट हो। अगर कैंडिडेट ना हो तो कम से कम उनकी पार्टी के लोग ज़रूर लड़े, दूसरी पार्टी के भी अगर हो तो उनके ही सिंबल पर लड़े, ताकि बाद में चुनाव के बाद में कोई स्थिति ना हो। एनडीए में भी कमोबेश यही स्थिति है, लेकिन अब बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है। 16-16 यानी बराबर बराबर सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ेगी और बाकी सीटें सहयोगी दलों को दी जा रही है। लेकिन जहां तक एलजेपी की बात थी तो चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में बीजेपी ने चिराग पासवान को चुना और 5 सीटें उनको दे दी। तो आप रहिए मेरे साथ, बिल्कुल बिल्कुल ये जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जल्दी से जनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जनेंद्र, लेकिन 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो भाई वहां आरजेडी जो है वो सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी और सत्ता में नहीं आ पाया था महागठबंधन, इसके लिए सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस ही मानी गई थी तब। ऐसे में अब जबकि एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से 15 सीटों की मांग की जा रही है, आरजेडी 7 से ज्यादा सीटें देती हुई नजर नहीं आ रही है, क्या लग रहा है आपको, ये हल कैसे निकलेगा? बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस की जो राष्ट्रीय गठबंधन समिति है उसके प्रमुख मुकुल वासनिक के घर पर बैठक थी, जिसमें कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, बिहार कांग्रेस के प्रभारी थे और इसके अलावा आरजेडी की तरफ से मनोज झा और संजय यादव पहुंचे हुए थे। कांग्रेस के सूत्रों ने मुझे ये बताया है कि कांग्रेस की तरफ से 14 सीटों की मांग रखी गई है, 14 सीटों की सूची आरजेडी को दी गई है। हालांकि देखिए, कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है कि 14 सीटें उसे नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने मुझे ये संकेत दिए हैं कि 9 सीट पर बात बन सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है जो पृष्ठभूमि है, जो सवाल आप भी उठा रही हैं कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो ज्यादातर सीटें हार गई और ये बड़ी वजह मानी गई महागठबंधन की सरकार ना बनने की, उसकी दलील कांग्रेस ये देती है कि कांग्रेस को वो सीटें आरजेडी ने दी जो कि काफी मुश्किल थी और बीजेपी की मजबूत सीटें थी। और इस चुनाव में ज्यादा सीटें मांगने के पीछे कांग्रेस की यह दलील है कि यह लोकसभा का चुनाव है, आरजेडी जो है वो क्षेत्रीय दल है, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है और लोकसभा के चुनाव में लोग राष्ट्रीय दल की तरफ झुकाव रखते हैं, तो इसकी वजह से कांग्रेस जो है वो 14 सीटों की लिस्ट उसने जरूर दी। ये बड़ा गजब का मामला यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। कहां तो ये माना जा रहा था कि जेडीयू के बाहर निकलने के बाद अब जो महागठबंधन है बिहार में, बिहारी वो राज्य होगा जहां पर सबसे आसानी से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो उभर कर सामने आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।